दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 3 है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑड नंबर्स। हमें इसका स्क्वायर करना मींस मुझे 431 × 431 का स्क्वायर करना और देखना कि किसका इसमें क्या था ऑड नंबर्स आ रहा है। ऑड नंबर क्या था जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता वो क्या होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमें इसके लिए पूरा पूरा का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। हमारे यूनिट प्लेस यहाँ क्या है 1 है। कितना है 1 है। मुझे सिर्फ 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 क्या होता है 1 लास्ट में क्या 1, 3, 5, 7 जिसके लास्ट में है वो क्या होता है ऑड नंबर होता है। 1 लास्ट में आ रहा तो इसको पूरा का अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा यूनिट प्लेस क्या आएगी 1 आएगी और ये क्या ऑड नंबर है तो हम कहेंगे फर्स्ट। ठीक है। सेकंड का यूनिट प्लेस क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36। अब इसकी यूनिट प्लेस देंगे ये क्या है इवन है कि ऑड है। ये इवन नंबर है तो इसका क्या आ जाएगा इवन नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है। एक पर हमें ऑड नंबर का निकालना है तो इसका फर्स्ट का ऑड आ रहा है। ठीक है। सेकंड का इवन आ रहा है। अब ये इसकी लास्ट प्लेस क्या है 9 है तो मुझे किसका स्क्वायर करना 9 का। 9 क्या होता है 81। 1 क्या होता है ऑड नंबर होता था इसकी ये नंबर क्या आएगा ऑड नंबर से आएगा। ठीक है। यहाँ 4 है तो 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 क्या होता ऑड इवन नंबर होता तो ये क्या आ जाएगा इवन नंबर से। तो हम बिना मल्टीप्लाई करके ही बता सकते हैं कि हमें क्या करना इसकी यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना। अगर यूनिट प्लेस का स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस आ रही हमारी ऑड होगी तो पूरा पूरा का स्क्वायर क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। और अगर इवन आएगी तो पूरे पूरे का स्क्वायर का क्या आएगा क्या इवन नंबर आ जाएगा। ओके तो थैंक यू।